सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस फिनिक्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए मिलिट्री वेपन्स के बारे में सबसे पहले जानने के लिए। पिछले एपिसोड में मैंने आपको T-14 आर्माटा के बारे में कुछ खास बातें बताई थी, वो उसका पहला हिस्सा था। आज दूसरे हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि क्या भारत इसे खरीद सकता है और उस पर आई लेटेस्ट अपडेट के बारे में भी बात करूंगा। अगर आपने T-14 आर्माटा पर बने वीडियो का पहला हिस्सा नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिए। वीडियो के पहले हिस्से का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। क्या रूस का T-14 आर्माटा टैंक भारत के लिए रवाना हो सकता है? भारतीय सेना दुनिया में रूसी टैंकों के सबसे बड़े ऑपरेटरों में से एक है। IISS के अनुसार इंडियन आर्मी वर्तमान में विभिन्न वेरिएंट के लगभग 2000 T-72 और लगभग 1000 T-90 को इस्तेमाल करता है, लेकिन पुराने T-72 की उम्र बढ़ रही है उन्हें आधुनिक बनाने के प्रयासों के बावजूद। उन्हें बदलने के लिए भारत ने नया फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल प्रोग्राम लॉन्च किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय सेवा में T-72 को रिप्लेस करना है। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने 2017 में रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन सबमिट किया। FRCV कार्यक्रम का संभावित मूल्य बहुत बड़ा है। भारत को सिलेक्टेड टैंक्स के लगभग 1700 यूनिट्स प्राप्त करने की उम्मीद है। FRCV की आवश्यकताएं RFI में सूचीबद्ध है। एक दिलचस्प आवश्यकता वजन है। FRCV 57.5 टन से अधिक नहीं है। रिपोर्ट ये भी बताती है कि आर्मामेंट में एक 120 मिलीमीटर या 125 मिलीमीटर की मेन गन है जो 2 किलोमीटर की दूरी पर 650 मिलीमीटर तक पेनिट्रेट करने में सक्षम होना चाहिए और 6 राउंड प्रति मिनट की मिनिमम रेट से फायर होनी चाहिए। RFI साइट के लिए डिटेल रिक्वायरमेंट्स को सूचीबद्ध करता है, जिसमें से कुछ में नई तकनीक शामिल है। कमांडर और गनर दोनों के साइट्स में ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकिंग की कैपेबिलिटीज होनी चाहिए। दिलचस्प है कि एक थर्मल स्टेबलाइज्ड कमांडर साइट एक आवश्यकता के रूप में सूचीबद्ध नहीं है, ये गनर की साइट के लिए आवश्यक है। सुरक्षा के लिहाज से RFI में लगभग 800 मिलीमीटर RHA प्रतिरोध की आवश्यकता लिस्टेड है। एक सक्रिय सुरक्षा प्रणाली और मल्टीस्पेक्ट्रल स्मोक लॉन्चर भी लिस्टेड है। गतिशीलता के अनुसार FRCV में हॉर्स पावर टू टन रेशो 25:1 होना अनिवार्य है और इसमें कम से कम 1500 हॉर्स पावर का इंजन होना चाहिए। एक ऑक्सिलरी पावर यूनिट की भी आवश्यकता है जो मिशन क्रिटिकल सिस्टम्स जैसे नेविगेशन साइट्स कम्युनिकेशन संचालित करने के लिए पर्याप्त पावर के साथ 6 घंटे तक ऑपरेट करने में सक्षम हो। तकनीकी आवश्यकता में RFI के मुताबिक आवश्यक है कि विजेता के डिजाइन और निर्माण के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एक उच्च दर्जे की हो। इसमें ऑब्सोलेसेंस मैनेजमेंट लाइफ एक्सटेंशन और बाद के सब्सिक्वेंट इंटीग्रेशन प्रयास शामिल है। तो वर्तमान में दुनिया में कौन से वाहन इस आवश्यकताओं के अनुरूप है? FRCV प्रतियोगिता में रूस का T-14 आर्माटा अब सबसे आगे चलने वाला खिलाड़ी प्रतीत होता है। अक्टूबर 2018 की शुरुआत में पूर्व भारतीय सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत रूस के साथ रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए 6 दिवसीय यात्रा के लिए रूस गए। हालांकि आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं की गई है कि FRCV में T-14 का यात्रा के दौरान चर्चा का विषय था। T-14 FRCV के लिए एक आदर्श टैंक है क्योंकि इसकी तकनीकी विशेषताएं FRCV की आवश्यकताओं से मेल खाती है। पश्चिमी टैंकों के विपरीत यह 48 टन वजन लिमिट के तहत बिल्कुल फिट बैठता है। इसमें एक हाई प्रेशर 125 मिलीमीटर की गन है जो एडवांस राउंड फायर कर सकती है जो 650 मिलीमीटर से अधिक में पेनिट्रेट कर सकती है। इसमें FRCV की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली एडवांस साइट सिस्टम भी है। हालांकि जब FRCV के लिए आर्माटा के सिलेक्शन की बात आती है तो एक बड़ी बाधा जरूर है क्योंकि पूरे सौदे में $4.5 बिलियन की कीमत का अनुमान लगाया गया है, मतलब लगभग 2.5 मिलियन प्रति टैंक, लेकिन आर्माटा की लागत 4 मिलियन प्रति टैंक बताई गई है। लेकिन FRCV के लिए जिन अन्य टैंकों पर विचार किया जा रहा है वह इन पहलुओं में और भी खराब है। K2 ब्लैक पैंथर 55 टैंक वेट लिमिट के तहत है लेकिन इसकी कीमत 7.5 मिलियन प्रति टैंक है। जो भारत भुगतान करने के लिए तैयार है ये कीमत उससे 3 गुना ज्यादा है। यूक्रेनियन BM ऑपलोड सस्ता हो सकता है जबकि वेट लिमिट को भी मैच करता है, लेकिन थाईलैंड में ऑपलोड TS की स्लो डिलीवरी यूक्रेनियन इंडस्ट्रीज की क्षमता पर संदेह पैदा कर सकती है। अमेरिकी प्रतिबंधों का खतरा भी है क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंधों को लागू करने की धमकी दी है यदि वह S-400 खरीदता है जो कि भारत ने खरीदा है। तो FRCV सौदे में लागू होने पर आर्माटा पर भी एक खतरा हो सकता है। भारत हालांकि S-400 प्रतिबंधों के बारे में बातचीत करने के लिए तैयार है, इसलिए सिलेक्शन होता है तो वे आर्माटा के साथ भी ऐसा करने की संभावना रखते हैं। T-14 आर्माटा पे आई एक लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। हाल ही में रशिया में T-14 टैंक का सीरिया में टेस्ट हुआ। रविवार को रशिया के मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड डेनिस मंटेरो ने कहा कि हैवी ट्रैक्ट व्हीकल प्लेटफॉर्म पर आधारित T-14 टैंक का परीक्षण सीरिया में किया गया है। उन्होंने कहा, हाँ यह सही है, वे सीरिया में इस्तेमाल किए गए थे, उनका उपयोग फील्ड स्थितियों में सीरिया में किया गया था, इसलिए हमने सभी बारीकियों को नोट किया है। टैंक के डेवलपर और निर्माता रोस्टे कॉरपोरेशन और अलेक्जेंडर पोटापो ने 3 फरवरी को एक इंटरव्यू में कहा कि आर्माटा टैंक के पहले बैच को 2020 में रूसी सेना को
फील्ड ट्रायल्स के लिए आपूर्ति की जाएगी। 9 मई 2015 को रेड स्क्वायर्स विक्ट्री डे परेड में पहली बार आर्माडा प्लेटफॉर्म पर आधारित T-14 टैंक जनता को दिखाया गया था। नए कॉम्बैट व्हीकल में पूरी तरह से डिजिटलाइज्ड इक्विपमेंट है, अनमैन टरेट है और एक आइसोलेटेड आर्मर्ड कैप्सूल की सुविधा है। रूसी सैनिकों को आर्माडा प्लेटफॉर्म पर रूस के नए T-14 टैंक की सीरियल सप्लाई 2021 में शुरू होगी। रूस ने रूसी आर्माडा टैंक के संभावित विदेशी खरीदारों के साथ काम शुरू करने की योजना बनाई है और पहले से ही कई अग्रिम ऑर्डर्स प्राप्त कर चुका है। डेनिस मुंडरो ने कहा कि अगले साल जब रक्षा मंत्रालय को इस टैंकों की सीरियल आपूर्ति शुरू की जाती है और एक निर्यात प्रमाण पत्र प्राप्त होता है तो हम विदेशी ग्राहकों के साथ काम करना शुरू कर देंगे। मंत्री के अनुसार कई देशों ने पहले ही इन टैंकों के लिए रुचि दिखाई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूलें।